आदाब। आज हम बनाएंगे भिंडी दो प्याजा। जिन लोगों को भिंडी अच्छी लगती है वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इजी तरीके से बनाई है और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई है। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो भिंडी, एक बड़ा टमाटर, दो बड़े साइज की प्याज, एक छोटी प्याज और दो हरी मिर्च। तेल गरम करेंगे। इसमें हम प्याज को डाल देंगे और इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको निकाल लेंगे और इसमें भिंडी डालेंगे। भिंडी को भी हम आधा गलने तक ही पकाएंगे और इसको हाई फ्लेम पर सेकना है। ये देखिए खोलकर ही पकाना है भिंडी को। थोड़ी सी लाल लाल भी हो गई है और अब हम भिंडी को निकाल लेंगे। भिंडी को निकाल लेंगे। इसमें तेल डाला है, तेल में जीरा डालेंगे और प्याज डाली है। प्याज को हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे और हाई फ्लेम पर ही पकाना है। इसमें थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे, हरी मिर्ची, और इसको थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। ढकना नहीं है, इसको खुला ही पकाना है। अब इसमें हम ये देखिए प्याज सॉफ्ट होती जा रही है और ये हो चुकी है प्याज सॉफ्ट। इसमें हम टमाटर डाल देंगे। अब टमाटर को भी हम अच्छे से चलाएंगे इसमें और टमाटर भी सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। टमाटर और प्याज सॉफ्ट होनी चाहिए। इसमें हम रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे एक चम्मच, आधा चम्मच धनिया, आधी चम्मच हल्दी और एक चम्मच नमक डालेंगे और इन मसालों को एक दो मिनट के लिए भून लेंगे। जब मसाले भुन जाएं तो इसमें भिंडी और प्याज डालेंगे जो हमने फ्राई किए हुए थे और फिर इसको अच्छे से चलाएंगे। अब हम गैस को धीमा कर देंगे और इसको 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही खोलकर और चला चला कर पकाएंगे ताकि मसाले भिंडी में अच्छे से चले जाएं। ये बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी। ये देखिए इसको चलाते रहेंगे और ये हमारी तैयार होने वाली है। ये देखिए ये हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको करते हैं सर्व। ये देखिए देखने में कितनी अच्छी है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी ही और वीडियो के साथ आगे मिलते हैं। चलिए अल्लाह हाफिज़।